बड़ी खबर आ रही है, रविशंकर प्रसाद ने बड़ा हमला बोला है तेजस्वी यादव पर। तेजस्वी यादव ने हमला बोला नीतीश पर, लेकिन रविशंकर प्रसाद सवाल पूछ रहे तेजस्वी यादव से। सुन लीजिए सवाल, फिर जवाब दीजिएगा। रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि अपने माता पिता की तस्वीर से शर्मिंदा क्यों है तेजस्वी यादव। ये कहा है रविशंकर प्रसाद ने। पार्टी के पोस्टर से माता पिता की तस्वीर क्यों हटाई गई है, क्यों राबड़ी और लालू उसमें नहीं दिख रहे, जिन्होंने 15 साल राज किया उन्हीं की तस्वीर गायब क्यों है, ये कहना रविशंकर प्रसाद का। और पूर्णिया की रैली में रविशंकर प्रसाद ने ये बयान दिया है, क्या कहेंगे इस पर? मैडम, मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव है। हाँ। तेजस्वी यादव जो है चुनाव लड़ रहे हैं मुख्यमंत्री, किसके राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं? सुनिए ना, ये जनता दल यू नहीं है जिसने जॉर्ज फर्नांडिस को फ्रिज में डाल दिया, दिग्विजय सिंह को हार्ट फेल करवा दिया, यह भाजपा नहीं है। सुनिए मैडम, यह भाजपा नहीं है। अडवाणी जी आज कहाँ फ्रिज में पड़े हुए हैं, मुरली मनोहर जोशी कहाँ फ्रिज में पड़े हुए हैं? राजनीतिक उत्तराधिकारी तो लालू के ही है ना, नहीं उनका पोस्टर नहीं लगाना चाहिए। मुख्यमंत्री के उम्मीदवार तेजस्वी यादव है कि लालू? पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है पूछा जाए? किनके जॉर्ज फर्नांडिस को फ्रिज में डालने वाले किनके दस्तखत से सिंबल डाली हुआ है? प्रेमचंद मिश्रा जी, जनता दल का सिंबल किनके दस्तखत से डाली हुआ है? किया जा रहा है, क्या ये कोशिश है कि तेजस्वी यादव को लालू की जो राजनीति है उससे अलग किया जाए? बोलने नहीं देती है। समय वापस आते हैं। तेजस्वी युवा है, जल्दी सर जल्दी, प्रेमचंद सर प्रेमचंद के पास नहीं जा पाए। तेजस्वी रोजगार की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से युवा के होने के नाते उनकी सोच अलग है, जो कि अच्छा है, लोगों ने पसंद किया। आप तेजस्वी की सभा में देखिए, जवाब दे कि नीतीश कुमार का चेहरा क्यों गायब कर दिया? सिर्फ मोदी का चेहरा अखबारों में, विज्ञापनों में मोदी जी का चेहरा है, सिर्फ वोटिंग से पोस्टर में। जो पार्टी खुद अपने चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट का चेहरा हटा दिया बीच चुनाव मैदान में, वो तो क्लियर है कि बीजेपी ने। फिक्र आपकी सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।